press the bell icon on the YouTube app and never miss a... सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज हम आपके लिए एक जबरदस्त और इतनी मजेदार वीडियो लेकर आए हैं जिसे देखकर यकीनन आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी जी को, फकर यूसुफजई को और भारत की तरफ से होंगे पत्रकार रोहित शर्मा जी और एनालिस्ट सुमित जैन साहब। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी जिसपे ये बात करेंगे भारत और पाकिस्तान पे और स्पेशली हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पे। तो ये वीडियो अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसकी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। जय हिंद जय भारत। वैसे हम लोग इतनी तारीफें कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की और हर वक्त करते भी रहते हैं, अक्सर और लोग भी पाकिस्तान के कर रहे होते हैं। इतनी तारीफ अगर किसी की भी की जा रही होती तो वो अभी तक $1-2 billion हमें भेज चुके होते, लेकिन मोदी जी नहीं, जिंदाबाद करे, चिकना घड़ा साबित हो रहे हैं। सर आप ऐसे नहीं करेंगे तो पता कैसे लगेगा पठान है। तो मैं ये कह रहा हूँ इमरान खान भी यही बोलता था, प्राउड टू बी पठान। वो कहाँ है आजकल? नहीं सॉरी, आप लोग हमारे साथ अब ज्यादती कर रहे हैं। मैं आपको ना, 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 उन्होंने खुद बोला था मैं पठान का बच्चा उठ जाऊंगा। देखिए वकार भाई, आपके इमरान खान, उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री को बोला मैं पठान का बच्चा हूँ, अपनी जो जुबान देता हूँ मैं उससे पीछे मुड़ता नहीं हूँ। ही डिक्लेयर्ड टू अवर प्राइम मिनिस्टर कि मैं पठान का बच्चा हूँ। सर ये मोदी जी ने भी कहा था, ठीक है ना, ये मोदी जी ने भी कहा था। उनकी बात का मुझे फिर भरोसा था, इनकी बात का मुझे कोई भरोसा नहीं। ये सब्ज बाग नवाब सब बाग है, वोट टोकिया कराई है इन्होंने, हमें वोट टोकिया कराई है कसम से। सर गदर टू आई है और रोहित इंडिया में, तो रोहित प्लीज जरा सनी देओल जी से कहिएगा, पिछली बार जो हैंडपंप ले गए थे वो अभी तक वापस नहीं किया। अब हम यहाँ पे उनकी फिल्म चलने नहीं देंगे, बता रही हूँ मैं, मतलब इंटरनेट में भी नहीं चलने देंगे। वैसे तो खैर पाकिस्तान में लग नहीं सकती आजकल, लेकिन ये कि हम बता रहे हम जो हमारे पास एटम बम है, ठीक है, लेकिन आप हमें हमारा जो हैंडपम्प है वो सनी देओल जी से कहिए कि वापस करें, वरना अच्छा नहीं होगा। बम भी है इनके पास और ये आप लोगों को बता रही है हमारे पास एटम बम है। 2 साल से मैं मांग रही हूँ सुमित सर, 2 साल हो गए मुझे, मैंने ट्विटर पे भी लिखा है, मैंने बहुत से शोज भी किए हैं कि सनी देओल जी से। वो सनी देओल जी लेकर आए थे तो अफगानी जो आए थे वो ले गए हमारे से, उन्होंने बेच दी, जैसे अब की वो उन्होंने डोरा लाइन बेची है ना उखाड़ उखाड़ कर, जैसे उखाड़ उखाड़ के उन्होंने डोरा लाइन बेच दी, वो पंप भी बेच गए, कहते पाकिस्तान से ही हमें दो, इसके ऊपर हक हमारा है। मुझे तुर्खम के उस तरफ जो है ना, तुर्खम बॉर्डर क्रॉस कर लो, वहाँ पे एक हैंडपंप लगा हुआ था, ये वही वाला मुझे लगता है, यही वाला, ये हमारे से ले गए वो एक, वो हाँ वो ये ले गए यार। एक हैंडपंप के बदले में पूरा समझौता एक्सप्रेस का रेक रख लिया, आज तक वो चार्टे पे लौटे नहीं है हमारे, वो वहीं पड़े हैं। लोहा सर बहुत महंगा है यहाँ पे, आपको नहीं पता रोहित साहब, मतलब अगर आप उसको स्क्रैप में ही बेचेंगे तो बहुत अच्छे पैसे मिल जाते हैं, तो इसलिए आप इंतजार ना करें कि वो आपको वापस मिलेंगे। मैं आपको वो चार पाकिस्तान के डिब्बे थे उसमें 4 इंडिया के थे, अरे तो हमारे आज कल हम कुछ नहीं छोड़ रहे हैं, जो हमें मिल रहा है ना हम खा पी के ना, वो कहते हैं ना डकार भी नहीं मारते, एयरपोर्ट सी पोर्ट मोटरवे हमारे यहाँ तो सर इतना ज्यादा फैन है जी। मेरी इस कंट्री के चाइना के 25 बिलियन खा गए तब भी डकार नहीं मारा आपने तो। 48 बिलियन सर, 25 क्यों? नहीं सर नहीं, 25 लग गए बाकी आने थे, कोई बाकी नहीं, मसला कोई नहीं है, कोई मसला नहीं है, उनको समझ ला आ गई है कि यहाँ से जो है ना पैसा निकालना मजाक नहीं है। हाँ, ये नहीं मिलेंगे, नहीं नहीं मिलने का तो खैर कोई वो चांस नहीं है। लेकिन एक तो एक चीज और है, इमरान खान साहब के ऊपर आप लोगों ने किसी ने बात नहीं की, अगर उनके साथ आप कोई सॉलिडरिटी करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन जो दो हमारे पैनलिस्ट है हमारे गेस्ट से, तो ये एहतजाज कर सकते हैं क्योंकि एक चाइना में एक हिंदुस्तान में, तो अगर एहतजाज करना चाहे तो ये कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आप मेरे ख्याल आरजू भी शायद नहीं करेंगी, अब पता नहीं उसका। देखिए इमरान खान साहब के लिए, इमरान खान साहब के लिए, देखिए इमरान खान आपका इतना बढ़िया आदमी था, खान साहब मुझे समझ नहीं आता कि आपने इतना स्टार आपका आदमी जो आपके वहां पर यू नो पाकिस्तान में नया पाकिस्तान बनाने की कोशिश कर रहा था वो, आपने उसी को जेल में कर दिया, सुनाई दिया, इसलिए आप लोगों ने स्टार बना दिया, वैसे सुपर स्टार नहीं
नहीं देखो सुबह सुपर स्टार था वो, और नया पाकिस्तान का नारा भी उन्होंने दिया और उन्होंने बनाया भी नया पाकिस्तान को, उन्होंने नारा भी दिया कि भाई मैं नहीं तो तीन टुकड़े, जैसे रोहित भाई ने बोला था कि वो ऑब्सेस्ड एक लीडर थे, राहुल गांधी भी हमारे पास है यहाँ पर ऑब्सेस्ड लीडर जो सिर्फ ऑब्सेशन की बात करता है कि मैं ही मैं, बाकी मेरे सामने कोई भी नहीं है कुछ भी, वही इमरान खान के अंदर भी फतूर था हमेशा। लेकिन उस बंदे ने वाकई में आपकी कंट्री में बहुत अच्छे काम किए, कई काम जो कि नेबरिंग कंट्रीज के फायदे की बात थी, जैसे सारे तालिबान वालों को उन्होंने टीएलपी वालों को जगह दे दी आपकी कंट्री में, भारत के साथ भी बात करने के लिए रेडी थे, अपने कंट्री के तीन टुकड़े करने वाले थे, इससे बढ़िया क्या हो सकता है? आपको देखो आपके कंट्री में तीन पार्टीज हैं, तीनों के तीनों प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, अगर तीन टुकड़े हो जाते तो सभी को प्रधानमंत्री बनने का मौका मिल जाता और ये लड़ाई झगड़ा बिल्कुल परमानेंटली खत्म हो जाता, यही तो नया पाकिस्तान था, मुझे समझ नहीं आ रहा। और तीन आर्मी चीफ बन जाते, उसको रोकने की जरूरत क्या थी आपको? यार जो जो आदमी आटे की लाइन में लगा था वो स्ट्रॉबेरी खाने लगा इमरान खान की वजह से, कोरमा खा रहा था वो भी कोरकमांडर की ड्रेस पहन के, और आजकल क्या कह रहा है? आजकल नहीं पूछा कि आजकल वो क्या कह रहा है? इमरान खान डंडे खा रहा है आजकल, डंडे भी नहीं कुछ और ही खा रहा है। अरे कोरमा और स्ट्रॉबेरी इमरान खान की वजह से ही मिली थी, और किस वजह से मिली थी? इमरान को पटक जेल में तो कैसे उतरता? आरजू, अच्छा आरजू ने पता नहीं, एक तो गदर के हवाले से बात करनी थी, एक ओ माई गॉड पहली वाली मेरी फेवरेट मूवीज में से एक हुआ करती थी, लेकिन मैंने अभी दोनों देखी नहीं है, तो आई होप कि जब अगर परेश रावल साहब है तो मैं उनको पहले से नहीं, वो नहीं है फिर मौसम से मैं ना ही देखूं, फिर मैं ना ही समझूं, लेकिन वो गदर 2 जो है वो जरूर देखी जाएगी, लेकिन देखे ठीक। अच्छा इमरान खान साहब, इमरान खान साहब के लिए अगर कोई आप लोगों के पास है और हमारे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के हवाले से अगर आप लोग कुछ कहना चाहते हैं तो आपके लिए फोरम अवेलेबल है, बाद में ना कहना। लेकिन मैं यहाँ से आप सबसे जो है रिक्वेस्ट करूंगी कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, बिकॉज मेरा आगे एक शो है और है भी वो इंडियन फौजी के साथ, तो ऐसा ना हो कि बॉर्डर पे अटैक हो जाए अगर मैं लेट हो गई तो, इसलिए क्योंकि आप लोगों को तो भरना चाहिए हमारी तरफ अटैक करने का, तो इसलिए मैं यहाँ से चलती हूँ और नेक्स्ट शो में मैं दोबारा ज्वाइन करूंगी। बिल्कुल सही है, मुझे लगता है आपका ना कोई शो, दोनों हमारे पैनलिस्ट जो, आरजू जी आपका जो शो है मुझे मालूम है किसी फौजी के साथ नहीं है, आप प्रधानमंत्री जो बना आपका उसके पास आप अपना हक लेने जा रही है और कुछ भी नहीं। नहीं सर फौजी के साथ ही है, आप 2 घंटे बाद मेरे चैनल पे देख लीजिएगा और हम डिस्कस भी अफगानिस्तान करने जा रहे हैं, तो अच्छा एक कमेंट थोड़ा, अच्छा जो पंप अफगानिस्तान ले गया अब बात आप हमारे फौजी से करेंगी। सुमित जैन साहब, अच्छा अर्जुन सुमित जैन साहब एंड रोहित साहब एक लास्ट कमेंट, और वो ये कहूंगा इंडिया वाले बहुत हमारे दोस्त कहते हैं जी इमरान खान साहब ने इंडिया को बहुत सारे फायदे दिए, मैं कह रहा हूं पाकिस्तान को नहीं दिया, हमारी चीखें निकल गई और आप लोगों को फायदे दिए, तो अगर इस फायदों के हवाले से आप लोगों के पास एक एक कमेंट है तो प्लीज आप कर सकते हैं। अरे यार एक बार बताओ इमरान खान ने आपके लिए क्या नहीं किया, पहले तो ये बताओ, इमरान ने आपको इंटरनेशनल फोरम पे आपकी बेइज्जती की, पहले घर में ही कर लेते थे कोई फायदा नहीं, इमरान ने आपको कटोरा लेकर सड़क पे बैठाया, अरे आप पहले ही क्या कर रहे थे? इमरान श्रीनगर हाईवे बनाई हमारे इस्लामाबाद में कश्मीर हाईवे से, हाँ कश्मीर हाईवे से श्रीनगर, अरे यार कश्मीर एक मिनट की खामोशी कराई, कौन कौन सी बातें हम याद करें उनकी, जो जो कौम सोते हुए बोलती है वो सारा दिन में एक मिनट की खामोशी कर गई, बताओ उसके बाद, बिल्कुल उसके बाद आपको बताता हूँ मैं भाई साहब, आपको 2 नए जिन्नों से मुलाकात कराई, ठीक है, और अब्बानी गाला में रख के, ठीक है, उसके बाद भाई साहब आपको बताया हेलीकॉप्टर क्या होता है, हेलीकॉप्टर से आते थे, इमरान खान ने आपको क्या नहीं दिया? इमरान अभी 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 उनकी मिसेज जो है बुशरा बीबी, उनकी डायरी एक निकली है, सब उस डायरी में डिफरेंट डिफरेंट पता नहीं क्या कुछ लिखा हुआ है, तो एक पेज किसी ने लगाया था ट्विटर पर, उस पर लिखा था कि अगर कोई मीडिया से आ जाए तो उसको शेरू के बिस्किट मत खिलाना, बहुत महंगे, शेरू उनके कुत्ते का नाम है। जो इमरान खान के मुखालिफ मीडिया अगर वो आ जाए तो लिखा था डार्लिंग शेरू के बिस्किट मत खिलाना, तो इसका मतलब ये है कि बुशरा बीबी से शादी हुई थी,
उससे पहले वो जितने भी मीडिया वालों थे सबको शेरू के बिस्किट खिला रहे थे। शुक्र है हम नहीं कभी गए। कभी नहीं गए। मतलब प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले जितने भी मीडिया के लोग उनके घर पे वो हमारे जैसों के लिए लिखा था, लेकिन हम जाते ही नहीं वहां पर, और बिस्किट तो हम खाते ही नहीं, इसलिए क्या बिस्किट तो कुत्ते खाते हैं, तो हम तो बिस्किट वैसा भी नहीं खाते। मैडम नहीं, ये बात समझने वाली बात है कि उससे पहले शेरू के बिस्किट खिलाए जा रहे थे ना, तभी तो उन्होंने मना किया था। और मैंने एक मूवी देखी थी मनोज वाजपेयी की, तो उसमें वो कहते हैं कुछ खाने के लिए गाड़ी में है, वो रोड थी आई थिंक उस मूवी का नाम रोड था, तो वो कहते जी बिस्किट पड़े, वो कहता है कुत्ता हूँ क्या जो बिस्किट खाऊंगा, तो कहता है कुछ और था। यस मैं चलती हूँ, मैं चलती हूँ, थैंक यू वेरी मच गाइस, ओके ओके, थैंक यू वेरी मच सुमित जैन साहब, आरजू काजमी साहिबा एंड रोहित शर्मा साहब ऑल द वे फ्रॉम न्यू दिल्ली इस्लामाबाद एंड बीजिंग में कह देता हूँ, खैर पता नहीं बीजिंग से है कि कहाँ से है, लेकिन कोई मसला नहीं है, एंड यू विल बी साइनिंग ऑफ, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अच्छा जी, अच्छा ठीक है, कोई मसला नहीं है, थैंक यू, बीजिंग, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और ये वीडियो आपको भी उतनी पसंद आई होगी जितनी ये वीडियो हमें पसंद आई और इसमें मजा आया, और हमने देखा कि ये चारों ही बहुत अच्छे दोस्त हैं, जब भी ये चारों एक डिस्कशन या डिबेट में होते हैं तो उसे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देते हैं और हंसी मजाक वाला कर देते हैं। और एक तरफ हमने देखा कि अब पाकिस्तानी भी हैं, वो भी कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि उनको भी प्रधानमंत्री मोदी जी जैसा ही प्रधानमंत्री मिले और उनको वो अपना प्रधानमंत्री बताना शुरू कर देते हैं। और दूसरी ओर एक चीज हमने अभी नोटिस की है कि जब से ये पाकिस्तानी और भारत काफी डिबेट्स में आना शुरू हुए हैं तब से पाकिस्तानियों ने भी डिबेट की शुरुआत में नमस्कार करना शुरू कर दिया है। अब हम देखते हैं कि पाकिस्तानी भी अपनी डिबेट जो है वो नमस्कार करके हाथ जोड़ के शुरू करते हैं। और ये वीडियो अभी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, इसका अगला पार्ट हम जल्दी इस चैनल पर डाल देंगे, आप वो भी जाके जरूर देखें। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो थर्ड टर्म है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा हमारे भविष्य के लिए और इस देश के लिए। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और जो भी आपके विचार हैं इस वीडियो के बारे में आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो देखने को मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।